द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे कैसे सर्विस रोड बनेंगी, आज हम इस पे डिस्कशन करने वाले हैं। और क्या डिले है, एग्जैक्ट पोजीशनिंग मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूँ। और जब तक सर्विस रोड नहीं बने हैं, जो जो एक्सेस द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट किए गए हैं, उनकी क्या स्थिति होने वाली है, कैसे कैसे एक्सेस फर्दर फ्यूचर में द्वारका एक्सप्रेसवे रेजिडेंट्स को मिलने वाला है, आज मैं उसके बारे में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो सर्विस रोड और एक्सेस के बारे में डीप समझने के लिए और इससे पड़ने वाले प्रॉपर्टी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट होगा, इसको समझने के लिए आज हम इस टॉपिक पे सारे उन अहम बिंदुओं को उठाएंगे जो इनको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले आज क्या अप्रूवल की स्टेज है, क्या प्रोजेक्ट टाइमलाइन है, किस हिसाब से एंटिसिपेटेड जो कमेंसमेंट इम्प्रूव्ड मोबिलिटी की हो पाएगी, क्या कॉस्ट एस्टिमेट है, क्या प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, लैंड प्रोक्योरमेंट स्टेटस क्या है जिससे कि ये प्रोजेक्ट बन पाए, कहाँ कहाँ टेंडरिंग प्रोसेस में इश्यूज आ रहे हैं और क्या आम जनता कहती है, इन सबको भी आज हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक बात आपको मैं यहाँ और ऐड कर दूं कि अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको प्रॉपर्टी मार्केट से जुड़ी बहुत सारी काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये इन्फॉर्मेशन तो हर कोई दे देगा, यहाँ इन्फॉर्मेशन एनालिसिस के साथ में मिलती है। हमारा अपना रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस है, हम चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर पाएं कि कैसे आपको फर्दर फ्यूचर में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले चीज़ें ध्यान रखनी है और किस तरह प्रॉपर्टी मार्केट पे आने वाली कोई बड़ी न्यूज़ आपकी इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट कर सकती है, वो सब आपको रेगुलर बताते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर सब्सक्राइब करना है, थोड़ा मोटिवेशन लेवल हमारा भी बनता है कि ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। लाइक, कमेंट और शेयर करना तो आपने शुरू कर ही दिया है, मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे वीडियोस बहुत ज़्यादा आप लोग शेयर करते हैं, तो इसके लिए शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं और इस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा, प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे आज की डेट में सर्विस रोड मच अवेटेड है। सबसे ज्यादा लोगों का डिमांड है तो सर्विस रोड की है, सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन कम्यूटर्स की इसी से बनी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि जब तक ये नहीं बनेगा तब तक सिटी का जो इंफ्रा ट्रेवल है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और इस कारण से ये सब चीज़ें डिले हो रही हैं और यहाँ रहने वाले लोगों को कम्यूट करने में बहुत दिक्कत हो रही है। एक्सेस आज एक्सप्रेसवे से कनेक्ट तो कर दिया गया है, लेकिन वो कब तक रहेगा लोगों को इसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं पता। अप्रूवल स्टेटस और प्रोजेक्ट टाइमलाइन, पहले हम इसको समझते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड का काम अभी भी अप्रूवल का वेट कर रहा है, इसे अप्रूव करना है जीएमडी के सीईओ द्वारा। ये एक बहुत ज़रूरी इंफ्रा प्रोग्रेस होना चाहिए था अब तक, जो अब तक नहीं हुआ। यहाँ इमीडिएटली सख्त कदम की ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत भी क्यों ना हो, हम सब ने ईडीसी आईडीसी पे किया है और हमें सरकार से ज़रूरत है कि वो इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ करे, लेकिन डिले हो रहा है। आखिर डिले हो क्यों ना है, क्यों अप्रूवल मिलने में इतनी देरी हो रही है, यहाँ पर हमें इंटेंशन भी जानना है। आप हमारी सरकार है, हमने आपको वोट दिया है और आपको बनाया है, तो आप ये बताइए कि क्यों इतना डिले हो रहा है। क्या एक साल पहले आपको नहीं जग जाना चाहिए था, क्या आप टेंडरिंग प्रोसेस में जा रहे हैं आपको रिस्पांस ठीक नहीं मिल रहा है तो आपको इमीडिएट उस पर दूसरा एक्शन नहीं ले लेना चाहिए था, लेकिन डिले डिले डिले। आज एक्सप्रेसवे हरियाणा का बन के खड़ा हो गया है, गुड़गांव का पूरा पार्ट बन के खड़ा हो गया है, डिले हुआ, लेकिन डिले के बावजूद भी एक्सप्रेसवे पूरी तरह बन चुका है, लेकिन सर्विस रोड नजारा दे। अब हम क्या करें, हम सर्विस रोड ढूंढेंगे क्या, हम ये तो आपको साथ साथ बनाना चाहिए था ना, पर आप नहीं बना रहे हैं उसे। और अभी भी अप्रूवल आने के बावजूद भी 2.5 साल का समय लग सकता है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो हम लोग फेस कर रहे हैं। क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है, चलो उसके बारे में भी पहले समझते हैं। अगर आज अप्रूवल आ भी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जीएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जनवरी तक यहाँ काम शुरू हो सकता है, जिससे आम लोगों को यहाँ पे रेजिडेंट्स को बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी और एसेंशियल सर्विसेज जैसे कि रोड, उनमें कनेक्टिविटी मिलने का फायदा भी लोगों को मिलेगा, मैं मान गया बात। यहाँ पर समझने वाली एक बात और है कि
आप डिले कर रहे हो, डिले पे डिले, एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो गया और लोगों को सड़क नहीं मिल पा रही है, तो लोग करें तो करें क्या? यहाँ पे मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, जीएमडी से रिक्वेस्ट है कि एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो गया है, उन्हें बहुत काम पहले कर देना चाहिए था लेकिन अब तक काम नहीं हुआ है। तो आप प्लीज़ जगिए और थोड़ा सा काम को फास्ट कीजिए। कॉस्ट एस्टिमेट और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन की बात करें तो 93.2 करोड़ रुपीज़ का एस्टिमेटेड बजट है इस प्रॉपर्टी के लिए। टाइमलाइन 2.5 साल आप बताते हैं कि पोस्ट अलॉटमेंट जब किसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा उसके बाद 2.5 साल का समय लगेगा सर्विस रोड को पूरी तरह से ऑपरेशनल करने में, तब रेजिडेंट्स को यहाँ फायदा मिलने वाला है। मैं आपको एक आपका ही एग्जांपल देके बताता हूँ। अपर द्वारका एक्सप्रेसवे आपने 6 महीने में रेडी कर दिया, अगर आप वहाँ 6 महीने में रेडी कर सकते हैं, 8 महीने मान लीजिए, 9 महीने मान लीजिए, अगर आप इतनी जल्दी अपर द्वारका एक्सप्रेसवे को पूरा, जो इतनी बड़ी रोड है उसको बना सकते हैं, जो कि अप्रिशिएट करने वाली बात है, जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, मैं वो भी आपकी कर रहा हूँ। तो इसमें सर्विस लेन में 2.5 साल का क्यों समय लग रहा है, आखिर क्या वजह है? क्या एक्विजिशन रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं, जैसा कि 95% एक्विजिशंस ऑलमोस्ट हो चुकी है, आपने 5% जो एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज हैं जो बचे हुए हैं उसके लिए भी आपने एक्सटेंडेड टाइमलाइन लिया है? क्योंकि यहाँ आपकी विलिंगनेस अगर थोड़ी सी और स्ट्रांग होगी तो मुझे लगता है जब आप इतना बड़ा काम 6 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं तो ये 2.5 साल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो एक्विजिशन रिलेटेड इश्यूज हैं वो अब तक रिजॉल्व हो जाने चाहिए थे, बहुत लंबा टाइम हो गया लोगों को द्वारका एक्सप्रेसवे का वेट करते हुए। अब जब एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ तो पता लगा सर्विस लेन नहीं है, लोगों को एक्सेस कैसे मिलेगा? न्यू पालम विहार जैसा एरिया जहाँ बीच से रोड निकल रही है वहाँ पे भी सब जगह कनेक्टिविटी, जो पुरानी रोड से उनसे कनेक्टिविटी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे मालूम है कि ये सब एक्सेस सर्विस लेन से होने वाले, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे से नहीं है। ऐसे ही तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे पर डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी हुई है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, वहाँ वहाँ वो एक्सेस डायरेक्ट नहीं होने वाला है। एक्सप्रेसवे कोई भी हो वो एक्सेस कंट्रोल होता है, जहाँ जहाँ सेक्टर रोड्स होती हैं या प्लान बनाते टाइम जहाँ जहाँ एक्सप्रेसवे के ऊपर एक्सेस दिया है वहीं से एक्सप्रेसवे को एक्सेस मिलता है। अगर सब जगह से एक्सप्रेसवे पे एक्सेस दे देंगे तो वो एक्सप्रेसवे रहेगा नहीं, लेकिन आज के टाइम में सब जगह से एक्सेस है, जो कि कहीं ना कहीं ये एक बड़े एक्सीडेंट्स का कारण भी बनते हैं। ऐसे एक्सेस सब जगह नहीं खुले होते एक्सप्रेसवे के ऊपर, ये हमेशा देखने को मिला है। तो हमें यहाँ सख्त से सख्त ज़रूरत है कि सर्विस रोड यहाँ बने और आम लोगों को एक्सेस मिले, सर्विस लेन से ही भले मिले लेकिन जहाँ जहाँ कनेक्टिविटी सेक्टर रोड की होगी या जहाँ जहाँ एक्सेस खुली होगी वहाँ से कम एक्सप्रेसवे पे स्मूथ एंट्री और एग्जिट हो पाए, जिससे एक्सीडेंट के चांसेस भी कम से कम हो पाए। हम सब की जान कीमती है, हम सब टैक्स पेयर हैं, हम सब EDC IDC पे कर रहे हैं, तो हमारी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा फास्ट कीजिए, जिससे कि यहाँ के रहने वाले लोग, एक्सप्रेसवे ने ऑलरेडी बहुत सारा डिले देखा है, यहाँ के रहने वालों को कम से कम इससे थोड़ा सा राहत मिल पाए। इस टेंडरिंग प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट कीजिए, ये यहाँ के रहने वाले लोगों का बड़ा कंसर्न है, क्योंकि इंफ्रा के लिए ये बहुत सख्त ज़रूरत है। और साथ साथ यहाँ पर आपको टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो टेंडरिंग के लिए हिसाब से आपने टाइम दिया है इसे कंप्लीशन करने के लिए, उसको भी थोड़ा सा कम कीजिए, क्योंकि अगर टाइम लिमिटेड होगा और फास्ट काम होगा तो यहाँ लोगों के लिए ये आसानी होगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम सब की ज़रूरत है और आपका भी ये कर्तव्य है कि हम लोगों को जल्द से जल्द एक्सेस प्रॉपर मिल पाए। जब मेरे यहाँ के रेजिडेंट से बात हुई जो यहाँ पे ऑलरेडी शिफ्ट कर चुके हैं, तो उन्होंने सब ने ये जोर दिया कि ये इंफ्रा डेवलपमेंट, बेसिक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर्विस लेन का, इससे हमारे बहुत सारे सेफ्टी कंसर्न, जैसे एक्सीडेंट होने की स्थिति है या स्मूदर व्हीकलर मूवमेंट इजी हो पाएगा, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ पाएगा, और कई बार ओला उबर वाले इस एरिया में आने में मना भी कर देते हैं तो उनका भी स्मूथ एक्सेस हो पाएगा, और यहाँ स्कूल की बस जो कई बार यहाँ नहीं आती है उनका भी एक्सेस हो पाएगा, हॉस्पिटल कम है ये भी यहाँ बढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इंफ्रा डेवलपमेंट होता है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें और आती हैं जो आम लोगों को रहने के लिए बहुत ज़रूरत होती है। तो मेरा अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है प्रोएक्टिव होके अप्रूवल प्रोसेस को फास्ट करें, जिससे सर्विस लोन जल्दी से जल्दी बन पाए और लोगों के जो कंसर्न्स हैं कम्यूट करने रिलेटेड उनमें उनको थोड़ी सी राहत मिल पाए। तो इसी टाइप के और बहुत सारे कंसर्न्स जो आपकी रियल एस्टेट मार्केट पर इम्पैक्ट करते हैं
मैं वो टाइम टू टाइम लेकर आपको इन्फॉर्म तरीके से सारी चीज़ें बताता रहूँगा और ये आपके काम आती रहेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपकी कितनी काम की थी, अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई और कहीं ना कहीं आप इससे कोरिलेट कर रहे हैं और आपके काम की है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसी टाइप की और कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा एनालिसिस के साथ। क्योंकि यहाँ अगर सेक्टर रोड के साथ साथ सर्विस लेन रोड भी बन जाती है तो यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट को भी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड हर कंटेंट में आपके साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और फ्यूचर में और रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल पर बने रहें। नमस्कार एंड जय हिंद।